बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के अंतर्गत जो सहायक वाचन है उसके पाठ को समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा विषय है वह है सहायक वाचन के अंतर्गत गणेश शंकर विद्यार्थी। इसके विषय में हम पढ़ेंगे गणेश शंकर विद्यार्थी। ये पाठ 3 है, भगवती चरण वर्मा जी इसके लेखक हैं और ये संस्मरण है। बच्चों, क्या है ये? संस्मरण है। चलिए आइए हम पढ़ते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी के जीवन से संबंधित। ये भाव सारांश ये है कि जो पाठ है भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित प्रस्तुत संस्मरण। कौन क्या है बेटा? ये संस्मरण। क्या है ये? संस्मरण। गणेश शंकर विद्यार्थी में लेखक ने एक महान देशभक्त एवं पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवन, व्यक्तित्व एवं संघर्षों का प्रभावी चित्रण किया है। जो इसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, जो हम सहायक वाचन पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी, उन्होंने ये जो संस्मरण लिखा है वह गणेश शंकर विद्यार्थी जी के, मतलब जो पाठ का नाम है, लिखा हुआ है। तो जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे वो कौन थे? एक महान देशभक्त एवं पत्रकार। और गणेश शंकर विद्यार्थी का जो जीवन था वह बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। कैसा जीवन रहा है? संघर्षों का जीवन रहा है। और बड़ा ही मतलब प्रभावी चित्रण इसमें किया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे। किस परिवार में? मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे श्री गणेश शंकर विद्यार्थी एक सच्चे साहित्यकार थे। कैसे थे? सच्चे साहित्यकार थे। वे कानपुर शहर के राजनीतिक प्राण थे और अत्यंत प्रतिकूल स्थितियों के और अभावों के बाद भी उनकी जो लेखनी वाणी और समस्त वाणी में ओज था। ओज है ना, अच्छी ओजस्विनी वाणी थी उनकी। लेखक के अनुसार आज जो कुछ भी है वह गणेश शंकर विद्यार्थी के योगदान के कारण है। यहाँ पर जो भगवती चरण वर्मा जी जो लेखक है उन्होंने ये बताया कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे वो किस परिवार से थे? मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे थे। गणेश शंकर विद्यार्थी एक सच्चे साहित्यकार थे। और वो किस शहर के थे? कानपुर शहर के। किस शहर के थे? कानपुर। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। और राजनीतिक प्राण थे। फिर अभावों के बाद भी उनकी जो लेखनी है वाणी और समस्त वाणी में क्या था? ओज था। लेखक के अनुसार आज जो कुछ भी गणेश शंकर विद्यार्थी मतलब जो आज लेखक जो कुछ भी बने तो वो किसके कारण बने? गणेश शंकर विद्यार्थी के विद्यार्थी जी के योगदान के कारण बने। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। इसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे वह कैसे थे? वह एक मध्यम वर्गीय परिवार के तो थे और कानपुर शहर से थे, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया। और वह कानपुर नगर से प्रकाशित होने वाले प्रताप हिंदी साहित्य पत्र के संपादक संचालक भी रहे हैं। कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी जी। और इस प्रकार से उन दोनों लेखक को बहुत सी मतलब कविताएं बहुत पढ़ने का, लिखने का क्या हुआ करता था, उनकी बहुत रुचि थी और इस प्रकार उन्होंने कविताएं लिखी। और इस प्रकार से यदि हम कहें तो लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे वह कैसे थे? अत्यंत सरल थे और त्यागी थे। कैसे थे? अत्यंत सरल और त्यागी थे। और धन और वैभव से बहुत दूर रहने वाले व्यक्ति थे। धन और वैभव से बहुत दूर रहने वाले व्यक्ति थे क्योंकि वो एक मध्यम वर्गीय परिवार के थे। अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में अभावों के बाद उनकी, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनकी वाणी में बड़ी ओजस्वलता थी। बहुत व्यक्तित्व के धनी थे। और उनकी प्रेरणा से लेखक ने छोटी उम्र में विश्व के कई साहित्यकारों के साहित्य को उन्होंने पढ़ा। और लेखक के अनुसार आज वह जो कुछ भी है वह, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया, वह गणेश शंकर विद्यार्थी जी के ही कारण है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न उत्तर आते हैं, पूछे जाते हैं, भगवती चरण का प्रथम परिचय गणेश शंकर विद्यार्थी से कब और कैसे हुआ? तो ये इसका उत्तर है, एक व्यक्ति अपने विचारों में खोया हुआ इधर उधर टहल रहा था, दुबला पतला सा, धोती कमीज पहने हुए, मुख पर अधिकार की भावना और
अधिकार की भावना वही गणेश शंकर विद्यार्थी थे, ऐसा भगवती चरण जो लेखक हैं उनका परिचय गणेश शंकर विद्यार्थी जी से हुआ। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी से लेकर गणेश शंकर विद्यार्थी जी से लेखक का यह प्रथम परिचय था और निहायत उखड़ा हुआ और बड़ा रूखा सा था। मतलब उनको ऐसा लगा उस समय उनसे मिलके कि थोड़ा सा मतलब जैसे वो उखड़े हुए या थोड़ा रूखा उनका स्वभाव है, ऐसा मतलब जो लेखक हैं उनको उस प्रकार से गणेश शंकर विद्यार्थी जी के उस पर लगा। विद्यार्थी जी ने पूछा कि नाम क्या है। लेखक ने अपनी कविता आगे बढ़ाते हुए जैसे कि उनको बताया कि भाई जब उनसे वो मिले तो उन्होंने अपनी कविता को आगे बढ़ाते हुए बताया कि भाई आपका नाम क्या है, उन्होंने पूछा गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने। तो जो लेखक थे भगवती चरण जी, तो उन्होंने अपना परिचय कैसे दिया अपनी कविता के माध्यम से, मतलब कविता को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बताया और इस प्रकार उन्होंने बढ़ाते हुए से प्रताप में स्थान देने का क्या किया, आग्रह किया। इस प्रकार जो लेखक हैं उनका जो प्रथम परिचय था वह गणेश शंकर विद्यार्थी जी से इस प्रकार हुआ। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब दूसरा आता है कि कानपुर में किन किन साहित्यकारों से भगवती चरण वर्मा जी की मित्रता हुई। तो अब इसका आंसर कि लेखक की मित्रता कानपुर के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री विशंभरनाथ शर्मा, कौशिक, बालकृष्ण शर्मा नवीन एवं श्री रमा शंकर अवस्थी जैसे उच्च कोटि के साहित्यकारों से हुई। किन किन से मित्रता हुई, तो जो साहित्यकारों से जिनसे मित्रता हुई उनकी उन्होंने इसमें नाम दिए हैं कि किन किन से उनकी मित्रता हुई। तो किस किस से मित्रता, अपनी प्रारंभिक कविताओं के प्रताप में छपने के 2-3 साल के अंदर ही अपनी जो कहना चाहिए जो उनकी प्रारंभिक कविताओं के प्रताप में छपने के 2-3 सप्ताह के अंदर ही उनकी जो मित्रता है, जो लेखक की जो मित्रता है वह कानपुर के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री विशंभरनाथ शर्मा जी, कौशिक बालकृष्ण शर्मा नवीन जी एवं श्री रमा शंकर अवस्थी जी जैसे उच्च कोटि के साहित्यकार से। तो ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो जो लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी, वो जो जिनसे मुलाकात हुई, जिनके विषय में हम पढ़ रहे हैं, अर्थात किनके विषय में पढ़ रहे हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी जी के विषय में, तो ये उनसे संबंधित ये प्रश्न इसमें परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग बच्चों इसको याद भी करते जाइए। अब आता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी के व्यक्तित्व की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पर उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं प्रकाश जारी, तो इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहला है साधारण कद काठी और पहनावा, उनका पहनावा अत्यंत साधारण था। साधारण कद काठी और पहनावा, तो उनका जो पहनावा था वो कैसा था, अत्यंत साधारण था। दूसरा तो कैसा था गणेश शंकर विद्यार्थी जी का, वो कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी की कद काठी साधारण थी, वे साधारण से दुबले पतले व्यक्तित्व थे, मतलब व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। और दूसरा कि उनका जो पहनावा था वो बहुत साधारण था। फिर आता है कि गंभीर व्यक्तित्व, वे जो थे बेहद गंभीर थे। कैसे थे, बेहद गंभीर, किसी समस्या के समाधान में भी गंभीरता पूर्वक विचार करते थे। जैसे जब भी कोई समस्या उनके सामने आती थी तो वे उस पर क्या करते थे, गंभीरता पूर्वक विचार करते थे। कौन करते थे, गणेश शंकर विद्यार्थी जी। फिर आता है कि निर्भीक संपादक, कैसे थे वो, निर्भीक संपादक थे। अंग्रेजों के शासन काल में निर्भीकता के साथ उन्होंने सरकार की गलत नीतियों और मजदूरों के शोषण पर अपनी बात कही। उनके अंदर क्या थी, निर्भीकता थी। पहले तो ये थे कि वो बहुत गंभीर व्यक्तित्व के थे, है ना, और फिर उनकी जो सोच थी गणेश शंकर विद्यार्थी जी की वो बहुत ऊंचे दर्जे की थी। फिर इसके बाद उन्होंने जो संपादन किया तो वो कैसा किया, बहुत निर्भीकता के साथ किया। अंग्रेजों के शासन में निर्भीकता के साथ साथ उन्होंने सरकार की जो गलत नीतियां और मजदूरों के जो शोषण पर उन्होंने अपनी बात को रखा। इसके साथ ही उन्होंने गलत नीतियां पूंजीपतियों द्वारा मजदूर पर होने वाले, मतलब जो पूंजीपतियों के द्वारा मजदूर पर होने वाला जो शोषण है उस पर अपनी बात कही। और वास्तव में समाचार पत्र प्रताप भारतवर्ष का एक शक्तिशाली साप्ताहिक पत्र बन गया। तो जो एक शक्तिशाली जो पत्र था वो कौन सा था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रताप भारतवर्ष का एक जो प्रताप था, जैसे कि
मैं आपको पढ़ा रही थी कि वो एक निर्भीक संपादक थे और उनका जो समाचार पत्र था उनका समाचार पत्र भारत वर्ष का कैसा था? कौन सा समाचार पत्र किसके विषय में मैं बता रही थी आपको? प्रताप। भारत वर्ष का शक्तिशाली शक्तिशाली पत्र था। तो वो पत्र कौन सा था? जैसे कि मैं आपको समझाई हूं, प्रताप। क्या था? प्रताप। ठीक है। तो इस प्रकार से जो गणेश चंद्र विद्यार्थी जी हैं, उनका जो समाचार पत्र था प्रताप, वो भारत का कैसा था? शक्तिशाली पत्र था। इस प्रकार से जैसे कि मैंने बताया आपको कि और वह एक साप्ताहिक पत्र बन गया। वो कैसा पत्र बन गया? साप्ताहिक पत्र। इस प्रकार गणेश चंद्र विद्यार्थी जी की व्यक्तित्व की विशेषताओं पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर हमने आपको बताया कि एक वो साधारण व्यक्तित्व के थे, दूसरा गंभीर साधारण कदकाठी काठी के और साधारण पहनावे के, दूसरा गंभीर व्यक्तित्व के, निर्भीक संपादक थे और उनका जो प्रताप जो समाचार पत्र था वह भारत वर्ष का शक्तिशाली एक साप्ताहिक पत्र था। इस प्रकार से हम ये इनके व्यक्तित्व की विशेषताएं पढ़ रहे। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर इसके बाद है कि वह एक महान देशभक्त एवं समाज परिवर्तक थे, कुशल राजनीतिक और साहित्यकार थे और बला के प्राण शक्तिवान। इनमें बला की प्राण शक्ति थी बहुत। आंदोलनों में भाग लेकर जेल जाना, क्रांतिकारियों की सहायता करना इत्यादि इनके और भी मतलब जो विशेषताएं जिनके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि कुशल राजनीतिक एवं साहित्यकार। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर शहर के राजनीतिक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो प्राण थे और अत्यंत सरल, त्यागी और धन वैभव से बहुत दूर रहने वाले व्यक्ति थे। वो महान देशभक्त एवं समाज परिवर्तक भी थे, कुशल राजनीतिक और साहित्यकार भी थे जैसे कि मैंने बताया, और प्राण शक्ति मतलब इनमें बहुत प्राण शक्ति थी। आंदोलनों में भाग लेना, जेल जाना, क्रांतिकारियों की सहायता करना इत्यादि भी इनके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। फिर आता है कि भगवती चरण वर्मा ने गणेश शंकर से प्रभावित होकर किस प्रकार का साहित्य पढ़ा और लेख लिखे। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसका उत्तर है कि गणेश शंकर विद्यार्थी एक उच्च कोटि के साहित्यकार थे। किस कोटि के साहित्यकार थे? उच्च कोटि के साहित्यकार थे। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। और उच्च कोटि के साहित्यकार थे, उनसे प्रेरित होकर भगवती चरण वर्मा ने है ना विक्टर होमो के उपन्यास कम उम्र में ही पढ़ डाले थे। और भगवती चरण वर्मा ने सन 1931-22 में कार्ल मार्क्स, मैक्स वीनी एवं फ्रांस की राजक्रांति के प्रमुख व्यक्तियों पर लेख लिख डाले जो मासिक पत्रिका के प्रभा में छपे थे। ये मैं किसके विषय में बता रही हूँ? लेखक के विषय में बता रही हूँ। इस प्रकार से विश्व की नवीन उभरती धाराओं को वह स्वाभाविक रूप से आत्मसात कर लेते थे। यानी जो नई नई जो धाराएं हैं, यानी जो उनका प्रभाव है, इस प्रकार से वह स्वाभाविक रूप से आत्मसात कर लेते थे। इस प्रकार से भगवती चरण वर्मा की कविता के क्षेत्र से निकलकर गद्य साहित्य के क्षेत्र को अपनाने का जो श्रेय है भगवती चरण वर्मा, यानी जो हम लेखक के विषय में पढ़ रहे हैं लेखक जी के, कि उन्होंने गद्य साहित्य के क्षेत्र को अपनाने का श्रेय भी गणेश शंकर विद्यार्थी जी को जाता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी के व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे हैं, उनके विषय में पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। चलिए अब आता है कि विद्यार्थी जी की पत्रकारिता के अतिरिक्त किन किन गतिविधियों में मतलब वो सक्रिय थे। जो विद्यार्थी जी थे वो पत्र
साथ वे अनेक गतिविधियों में सक्रिय थे। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वे कानपुर शहर के राजनीतिक प्रांत थे, इस राजनीति में भी उनकी रुचि थी। उन दिनों मजदूरों की जो प्रमुख समस्या थी, समाजवाद की भावना से प्रेरित होकर मजदूरों के संगठन का काम भी अपने ही हाथों में उन्होंने लिया और आंदोलनों में पूरी ताकत वो उन्होंने झोंक दी। इस प्रकार विद्यार्थी जी पत्रकारिता तो के साथ साथ वह अतिरिक्त इन गतिविधियों में भी संलग्न थे, या मतलब वो इन पत्रकारिता के साथ साथ इन गतिविधियों को भी पूरा करते थे। तो इस प्रकार से चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आता है अति लघु उत्तरी प्रश्न जो पूछे जाते हैं कि प्रताप में क्या क्या छपता था। तो ये इसका आंसर है प्रताप नामक हिंदी साप्ताहिक पत्र में देशभक्ति के लेख छपते थे। किसके लेख छपते थे? देशभक्ति के। यहाँ पर दिया हुआ देशभक्ति के लेख छपते थे तथा देशभक्ति से परिपूर्ण कविताएं छपती थी, ठीक है ना। और फिर आता गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप से क्या संबंध था, ठीक है। चलिए आगे इसमें देखते हैं। इसका आंसर है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रताप भारतवर्ष का एक शक्तिशाली साप्ताहिक पत्र बन गया, साप्ताहिक बन गया था। गणेश शंकर विद्यार्थी उस पत्र के संपादक और संचालक थे। तो इस प्रकार हमने बच्चों यहाँ पर आपको भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित जो गद्य है सहायक वाचन, उसके अंतर्गत मैंने आपको जो संस्मरण था गणेश शंकर विद्यार्थी जी उनके विषय में पढ़ाया समझाया, और उसके जो क्वेश्चन आंसर आप दोनों ही समझाए मैंने। तो बेटा इसको आप बहुत अच्छे से याद करिए, परीक्षा के लिए तैयार करिए और आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।